स्टूडेंट्स, फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है PMR स्मार्ट लर्निंग। और आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम देखने वाले हैं मैथमेटिक्स की टेस्ट नंबर 1 ब्रिज कोर्स की। तो इसमें जो है वो टेस्ट कुछ इस प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन आंसर टू द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो फर्स्ट मैं रीड कर रहा हूँ, इफ़ ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच और b इज इक्वल टू ए कॉमा सी कॉमा ई एंड c इज इक्वल टू ए कॉमा ई कॉमा आई एंड d इज इक्वल टू जी कॉमा एच कॉमा आई, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसका आंसर होगा सेकेंड वन, b इज अ सबसेट ऑफ a। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ मेजरमेंट ऑफ वन ऑफ द एंगल फ्रॉम वेन टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट बाय अ ट्रांसवर्सल इज 40 डिग्री देन द करस्पॉन्डिंग एंगल इज। तो इसका आंसर होगा डी, 40 डिग्री। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट थर्ड है 2x² - 5x + 12 इज रिटन एज पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट एज। तो इसका आंसर है फर्स्ट ए इन ब्रैकेट 2, -5, 12। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, When two parallel lines intersect with one transversal, measure of one of the angle of interior angle is 50 degree. Then the other angle of interior angle is. तो इसका आंसर आएगा B, 130 degree. अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, solve the following sub questions. तो इसमें फर्स्ट है, When two different line intersect, how many points are there in their intersection? तो इसका आंसर है only one. हाँ दोस्तों, इसका आंसर है ओनली वन। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, पॉइंट क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन पी आर एंड इफ पी आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर देन पी क्यू इज इक्वल टू ? तो पी क्यू की लेंथ हमें यहाँ पे बतानी है। इसका आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुकता हूँ। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ द इंडिकेटर ऑफ पॉइंट ए इज -5 एंड द इंडिकेटर ऑफ पॉइंट बी इज 3 देन डी डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ? तो ए कॉमा बी का डिस्टेंस क्या होगा? तो इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं थोड़ी देर यहाँ पे रुक रहा हूँ। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन द फिगर लाइन आर पी पैरेलल लाइन एम एस एंड लाइन डी के इज अ ट्रांसवर्सल एंड एंगल डी एच पी इज इक्वल टू 85 डिग्री देन फाइंड द फॉलोइंग एंगल्स। तो इसमें जो फर्स्ट है एंगल आर एच डी, इसे हमें फाइंड करना है। तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो इसका आंसर है आर एच डी इज इक्वल टू 95 डिग्री। अब आगे देखते हैं, आगे का एंगल है एंगल पी एच जी। तो एंगल पी एच जी भी होगा 90 डिग्री क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। आगे देखते हैं, आगे है एंगल एच जी एस। तो एच जी एस होगा 85 डिग्री क्योंकि एच जी और डी एच पी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। आगे देखते हैं, आगे है एंगल एम जी के। तो एम जी के भी होगा 85 डिग्री बिकॉज एम जी के एंड एच जी एस आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे है राइट अ सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 25। तो इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अगला देखते हैं, अगला इफ बी इज इक्वल टू इन ब्रैकेट नथिंग देन एन बी इज इक्वल टू ? तो इसका आंसर है 0। चलिए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं आगे। आगे है सिंप्लीफाई 4x² + 7x - 1 - x² + 8x - 7 + x² + 10। तो इसका सिंप्लीफिकेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं यहाँ थोड़ी देर रुक रहा हूँ या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही है। तो सिंप्लीफाई 3√2 + √8 - √50। तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप नोट डाउन कर लीजिए।
और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। तो ये टेस्ट यहीं पर ख़त्म होती है, अब मिलते हैं अगले टेस्ट में, मतलब अगले वीडियो में, जो कि मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आऊँगा, जल्द ही लाऊँगा। तो जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।